हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं डे रूटीन। सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इसको, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, सबको फॉलो करना चाहिए। तो सारी चीज़ें यूज तो करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से यूज करनी चाहिए। इतना समय तो अपने लिए हम दे ही सकते हैं। तो चलिए मैं देखते हैं कैसे मैं डे रूटीन करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन करने सबसे पहले आपको फेस वॉश करना होगा। मैं गार्नियर का फेस वॉश ली हूँ। आप ऐसे गार्नियर कोई सा भी फेस वॉश ले लीजिए, लेकिन फेस वॉश करने का ट्रिक होता है। आप क्या करते हैं, पहले अपने चेहरे को पूरा गीला कर लेते हैं, फिर फेस वॉश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। चेहरे को थोड़ा गीला, थोड़ा सूखा रहना चाहिए, तो फेस वॉश करेंगे तो जो अच्छे से क्लीन होगा। फिर आप इसे थोड़ा 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 करके पानी यूज करके ऐसे फेस वॉश करिएगा। 2 मिनट तक कम से कम अपने चेहरे को क्लीन करिएगा और देखेंगे सिर्फ फेस वॉश से ही आपका चेहरा क्लीन हो गया। देखिए पूरी तरह से फेस वॉश मिल गया। अब मैं अपने चेहरे को धो लूंगी। आप ऐसे ट्रिक फेस वॉश का जरूर आजमाएं और आप एक साफ नैपकिन लेके आप चेहरे को साफ करिएगा। आप जो डेली में यूज करते हैं वो नहीं, आप साफ चेहरे के लिए अलग नैपकिन रखिए। और देखिए सिर्फ फेस वॉश से आपका चेहरा पहले से बहुत क्लीन हो चुका है। फिर मैं इसको टोन करूंगी। आपके पास टोन नहीं है तो आप ऐसे कॉटन में लेके रोज वाटर से क्लीन कर लीजिए। ये क्या होगा, डबल क्लीन भी हो गया और आपके जो ड्रेस स्किन अपनी एक परत बना लेती है, जो ड्रेस और धूल मिट्टी जाके अपनी एक परत बना लेती, वो परत निकल जाती है, क्लीन हो जाती है और आपकी जो अंदर की परत होती है वो निकल के आती है, तो आपका चेहरा इतना ब्राइट लगता है। तो जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा करिएगा, फिर आप देखिएगा कि पहले से आपका स्किन और आप में कितना डिफरेंट हो गया सिर्फ एक फेस वॉश से। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं जैसा मैं कर रही हूँ। फिर मैं अपना ग्लो सीरम लगा रही हूँ। होममेड ग्लो सीरम है ये। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए ये वीडियो। मैं डेली अभी यही यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है ग्लो सीरम है। आप इसको लिप्स पे भी लगा सकते हैं और इसको डैब डैब करके ही लगाइए। और ये क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर जाके, हमारे पोर्स के अंदर जाके उसको ट्रीट करेगा, उसको हाइड्रेट करेगा। तो ग्लो सीरम जरूर लगाना चाहिए और इसको आप फिर इस तरह से लगाएंगे तो ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा। फिर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लो। मॉइस्चराइज करने से आपका लिप का जो कभी भी फटेगा नहीं, अच्छा सा लिप्स आपका हमेशा ही ऐसा बेबी लिप्स लगेगा। फिर मैं अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपने ग्लो सीरम लगा लिया है तो बस है। लेकिन ये सब क्या लगाने से आपका जो स्किन होता है वो स्मूथ हो जाता है, एकदम बेबी स्मूथ स्किन हो जाएगा। और हाँ, आप सनस्क्रीन तो बिल्कुल मत अवॉइड करिएगा। दिन के टाइम तो सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं अवॉइड करना है। आप चाहे घर में ही रहे या बाहर रहे, आपको सनस्क्रीन यूज करना है। सन रेसेज हमारे स्किन को बहुत ही हार्मफुल होती है, वो हमारी सन टैन हमारी बना देती है हमारी स्किन को। तो आप सनस्क्रीन मत मिस करिएगा, सनस्क्रीन जरूर लगाए। सनस्क्रीन को रब नहीं करना है, ऐसे डैब 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 करके ही लगाना है। और ये सनस्क्रीन मैट है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो बहुत ही अच्छा आता है, मैट फिनिश है ये सनस्क्रीन। तो डेली के लिए बहुत अच्छा है। मैं बाहर जाती हूँ तो और भी लगा लेती हूँ अच्छे से। फिर आप डेली में बेबी क्रीम लगा सकते हैं। बेबी क्रीम से नेचुरल फिनिश आता है और आप इसे लगा के यूज करिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं जाते हैं तो ही ऐसा लगा, आप डेली में भी ऐसा थोड़ा बहुत अपना टचअप दे सकते हैं। तो कोई भी आ जाता है घर पे, हमें अचानक कहीं जाना होता है तो हमें एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा या तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का सा आपको ऐसे टचअप दे के रहिए, अपने को थोड़ा स्टाइलिश बना के रखिए। फिर आप ऐसे करके फिर मैं इसको अच्छे से सारा टचअप दे दूँगी, थोड़ा सा आईब्रो का, काजल का। और मैं घर पे रहती हूँ, न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ। आप ऐसे करके स्टाइलिश बन सकते हैं। तो आप देखिएगा 7 दिन में आप ऐसे ट्राई करिएगा और 7 दिन में आप देखेंगे कि पहले की स्किन को आपकी स्किन अभी की कितना डिफरेंट आ गया है। सिर्फ ये हल्की हल्की चीज़ें करके, हाँ मैंने इसमें स्क्रब और फेस पैक जो है वो स्किप कर दिया है क्योंकि मैंने कल ही किया था। तो आप स्क्रब और फेस वॉश सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही किया करें, डेली नहीं करना चाहिए। फिर देखिए मैं ये अपना होममेड जो मेकअप सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ वो लगा रही हूँ। इससे आपका थोड़ा जो मेकअप होगा टच से मस्त हाइड्रेट रखना है। तो सबसे पहले आपको पानी पीना है। पानी सुबह मॉर्निंग रूटीन या कभी भी मेकअप करने जाए तो आप पानी जरूर पीजिए।
ऐसे भर के आप पानी पीजिए, फिर उसके बाद आपका स्किन रूटीन जो भी होता है जैसे मैंने बताया आप वैसा पूरा पानी पीजिए। आप उसमें शहद डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, तो पानी झटनेस नींबू से आती है, तो पानी गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। उसके बाद आप ऐसा डेली रूटीन करिए, हाँ आप देखेंगे आप एक हफ्ता इसको ट्राई करेंगे ऐसे ही रूटीन फॉलो करेंगे तो आप अपने स्किन में पहले से आप चेहरे में अपने पहले से थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हैं कि पहले क्या थी मेरी स्किन, अभी थोड़ा सा डिफरेंट आ गई। तो आप बस अपने लिए इतना टाइम तो जरूर निकाल सकते हैं। स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसा होता है कि मतलब आप सब्सक्राइब कर देते हो और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा मैं डेली वीडियो अपडेटेड रहती हूँ, तो आप जरूर उसको ऑन करें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।